वेलकम बैक टू स्टारी नाइट्स विद मी सना बच्चा, और आप देख रहे हैं कि मेरी आवाज बैठ गई है क्योंकि उमेर की आने की खुशी में मैंने पूरी रात सभी मेरी बार में बारी और मेरी आवाज बैठ गई। तो जिसका काम है उसी को करना चाहिए। उमेर, थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। और दो आइकॉन्स को आपने जाते हुए देखा, बहुत ज्यादा मसल पावर हो गई थी जरा इधर इस प्रोग्राम में, तो मैंने सोचा एक मसल पावर एट अ टाइम। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। कैसी रही आपकी ईद सो फार? बहुत अच्छी, फैमिली के साथ, आप लोगों के साथ, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, ये बताएं उमेर के ये जो आपका इस वक्त एक्टिंग डेब्यू हम देख रहे हैं जिसमें आप एक बादशाह सलामत हैं और इतनी खूबसूरत माँ हैं आपकी और उससे भी खूबसूरत बेगम है आपकी, लेकिन आप दोनों के हाथ जरा एक जैसे क्यों पकड़ रहे हैं? जरा मुश्किल हो गया था शुरू में पहनने कहना कि माँ कौन सी है और बीवी कौन सी? नहीं नहीं, ये गोज विदाउट सेइंग कि माशाल्लाह हिना ब्याद बहुत खूबसूरत खातून है। आई लव हर अ लॉट, आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर हर। और आई थिंक वो हाथ पकड़ने के आदाब तो वही हैं, माँ का थोड़ा सा डिफरेंट है। माँ का मैं हाथ चूमता हूँ। मेरा पकड़ के दिखाओ। अच्छा उमेर, ये तो सब लोग जानते हैं कि तुमने म्यूजिक में बहुत बड़ा नाम और 4 times in a row कोक स्टूडियो पर, ये बताओ कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? लेकिन ये जो सम्मी मेरी वार ने एक वार किया, वो कैसा फील होता है? मतलब बहुत नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी आया उसका कि ये क्या कर रहा है, मतलब इज ही ऑन प्रोजैक, मतलब इतनी एनर्जी और इतना चीखम चाखी, क्या थी ये? यार लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं कि मैं बेसिकली तो एक रॉकस्टार टाइप सीन ही है। रॉकस्टार तो मैं अपने आप को कभी भी नहीं कहता, लेकिन एक रॉकर ही हूँ मैं। और रॉकर्स हमेशा अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि उन्होंने इन्जॉय करना होता है, उन्होंने खुल के गाना होता है। दे रियली डोंट केयर and they really enjoy themselves. But they live up to the name rock, matlab patthar wala na, rock aadmi, rock star. Ye log rock star, I would never say rock star, I would say a rocker. Oh acha, awards to aapko itne mile hain ki aapko ab maan lena chahiye ki aapko to international recognition, Rolling Stone award bhi, aur kaun kaun se? We won this award in India, best rock act by Rolling Stones, and wo bahut acha ek humbling experience tha, wo jeete pehle. Aur uske baad phir Asia mein rock awards hote hain har saal, मलेशिया में वो जीते, उसमें बेस्ट रॉक वोकलिस्ट एंड यू नो, तो उससे बहुत सारा एक मोमेंटम बना। उसके बाद कई दफ़ा कोक स्टूडियो पे आया, फिर दूसरी दफ़ा आया, फिर तीसरी दफ़ा आया, एंड अब टू अ पॉइंट कि जब फिर अब लास्ट ईयर जब सम्मी मेरी वार हम लोगों ने किया, सो इट वॉज एन इंटरेस्टिंग कोलेबोरेशन। एक बड़ा पुराना पटवार रीजन का एक शादी का टप्पा है जो कि हर किसी ने सुना, एंड बिलाल इज़ द जीनियस बिहाइंड द सॉन्ग। हमने उसके इर्द गिर्द एक और नया गाना क्रिएट किया और हम में से किसी को इतना आइडिया नहीं था कि ये इतना कनेक्ट कर जाएगा लोगों के साथ। अब उसमें दो चार फैक्टर्स थे, एक मेरा डांस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, एक वो गाना इटसेल्फ बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, एंड उसके बाद से आई वुड से कि वाकई एक तो पीपल हैव लव्ड मी, दे हैव हेटेड मी, और आई थिंक व्हेन इट्स अ बिट ऑफ बोथ इट गोज अ लॉन्ग वे। अच्छा, रॉक और नॉट उमेर, लेकिन म्यूजिक एक बड़ा स्वीट मतलब मेलोडी है, उसमें सुर हैं, उसमें ये सब कुछ है, लेकिन इसका सफ़र उतना ही स्ट्रगलिंग है। मतलब आप बड़े, आप छोटे होते हैं, आप क्या कहते हैं, अम्मी मैं बड़े होकर गाना गाऊंगा, मैं रॉक बनूंगा, रॉक स्टार बनूंगा, मतलब आई मीन ये जो स्ट्रगल होता है स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी नहीं थ्राइव करती, पायरेसी के इशूज़ हैं, उसमें कैसे आपने ये जिद्दोजहद की और लड़ाई की? बहुत आसान था एक ज़माने में पॉपुलर म्यूज़िक करना, पॉप म्यूज़िक करना। मेरा छोटा भाई उज़ैर, ही इज़ इनटू पॉप म्यूज़िक, उसके बहुत सारे गाने मैंने और मेरे बड़े भाई ने, हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किए बिकॉज़ दे सूट हिज वॉइस मोर। तो हमारे लिए बड़ा आसान था पॉप म्यूज़िक बनाना या करना, बट फॉर मी, मैंने अली अजमत के बाद किसी को इन इट्स ट्रू फॉर्म रॉक म्यूज़िक करते नहीं देखा। बैंड्स आए लेकिन वो फिर चेंज हो गए, उनकी साउंड चेंज हो गई। तो मैंने जब रॉक म्यूज़िक करना शुरू किया तो अ लॉट ऑफ पीपल केम अप टू मी एंड दे वर लाइक यार अभी सिर्फ आप ही कर रहे हैं और आपके अलावा और कोई नहीं कर रहा। सो इट केम एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि यार मैंने ये करना है एंड आई कैन नॉट गिव अप। मेरे इर्द गिर्द दोस्त, मेरे बैंड मेट्स, काफ़ी लोगों ने क्विट किया, काफ़ी लोग पढ़ने चले गए, कुछ लोगों ने शादियाँ कर ली, कुछ लोगों के बच्चे हो गए और फिर वो अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए। And I always wanted to do this, and that does not mean कि मैंने अपनी education पूरी नहीं की। I did my master's in geosciences, and that I did show it to my parents कि यार आप लोगों ने कहा था। And you're the son. Yeah. ये कैसे? अच्छा, geologist and पत्थर, the rock star बनूँगा। मतलब पत्थरों से ही निकल के बने हो ना तुम? नहीं, तो वो फिर उसके साथ साथ I just never gave up. I wanted to do this, and I kept on doing it.
एंड अल्हम्दुलिल्लाह जब आप मेहनत करते हैं तो यू नो अल्लाह उसका फल जरूर देते हैं। अच्छा चलें अब आपको एक फिल्म की याद दिलाते हैं जहां और वो फिल्म में अब आप नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको पहली दफा एक रॉक की जगह एक रोमांटिक मेलोडियस आवाज, आपने याद है मुझे एक बैठक लगाई हमने और आपने गिटार पे गाने गाए, एक आपका गाना है आबिदा परवीन के साथ उस फिल्म का, वो मतलब वो रॉक इमेज का गाना नहीं, वो कहाँ से एक अलग साइड आपकी नुमाया हुई? अगर आप एक ऑनेस्ट इंसान है तो आप हर वक्त एग्रेसिव नहीं हो सकते, आप हर वक्त खुश नहीं हो सकते, सो आपके इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं, यू आर सैड, यू आर हैप्पी, यू आर डाउन, यू आर एक्साइटेड, सो आपकी डिफरेंट साइड्स होती हैं, मेरी मेलो साइड भी है, एक सैड साइड भी है जो बहुत कम लोगों को पता है, आई एम एक्सप्लोरिंग इट मोर नाउ, नाउ आई हैव बिकम अ सोलो आर्टिस्ट एज मेहर जसवाल एंड आई परफॉर्म अंडर द नेम ऑफ मेहर जसवाल, सो अब मेरी जो अपनी एल्बम है उसमें देयर सॉन्ग्स विच आर इन दैट डायमेंशन इज वेल, तो वो काफ़ी एक्सप्रेसिव साइड है, सो काफ़ी लोग समझते हैं मैं काफ़ी शोर में जाता हूँ, बट वेट टिल दे हियर दैट, आई होप दे लाइक इट। लड़की को गाने सुनाते हैं। अच्छा ये जो तुम इंटरनेशनल यूथ एम्बेसडर बनाए गए तो ये बताओ कि ये यूथ में लड़कियों से ज्यादा कनेक्टेड हो या लड़कों से? दोनों से आएगी, दोनों से कनेक्टेड रहना बहुत ज्यादा कनेक्ट होती है, मैंने सुना है कनेक्टेड रहना बड़ा जरूरी है, कनेक्टिंग पीपल, हां आई गेस आई मीन यूथ के साथ बॉन्ड होना उनके साथ, एंड आई थिंक द एम्बेसडरशिप दैट यू टॉकिंग अबाउट वो एक बहुत मेरे लिए एक ऑनर की बात है, बिकॉज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन is next to United Nations Bilkul. and they're doing a lot of work, relief work in the region, in the world. Tumhari connection pakad li unhone, itni dur baithe the, unhone kaha oh ye connect kar raha hai zara. So unhone jab kiya so we did a series of concerts and jiske through humne funds generate kiye aur us zamane mein IDPs bahut sare the Pakistan mein and we tried to educate as many kids as we could us program ke through and I'm still up for it, I'm whenever they call me for any help or anything I'm always there and I'm honored that they you know chose me for it. Aapko guess ke wo kaun hai ke kyunki wo tutti frutti bhi hain cutie bhi hain aur khoobsurat bhi hain. Aisha, thank you. And so are you. What is this? Well, who are you wearing? Tina Durrani. Oh, very nice, very nice. And are those shoes? I know, brand new. Oh, I see. I see somebody's been shopping. Aisha, accident. Ab kaisi ho waise? Yeah, not completely good. Not good news, but I don't like talking about it too much. But you're in one piece and still beautiful. That's all that people should know. Okay, you. She's fine. She's in one piece I'm and fine. Beautiful. I'm fine. There's some complications and some things need to be fixed because they're not. Okay. But they will be, inshallah. One bone didn't heal properly. अच्छा. So अभी. अच्छा हमने एक break लेनी है आयशा, लेकिन हम break नहीं लेंगे तब जब तक आप और उमेर गाना नहीं गाएंगे. यार मुझे फ्लू हुआ है. कोई बात नहीं, मेरा भी गला बैठा था थोड़ा सा, मैं भी घर बुला के ऐसे नहीं ऐसे ही करते हैं. उमेर ऐसे ही करते हैं, गंदी आवाज से लोगों को डराना अभी. अरे क्या है, अच्छा चलो थोड़ा सा थोड़ा सा. अच्छा उमेर तुम गए थे उमेर के सामने? हाँ. No way. मैं गाना शुरू कर दूंगी और सीरियसली फिर लोग टीवी नहीं देखेंगे तो मैं कोई नहीं देखेगा, इसलिए तुम गा दो, ये देखिए धमकी है. अच्छा चलो चले जी, कौन सा गाएंगे? मैं बैकिंग वोकल्स करती हूँ मैं आपके लिए. चले मेरी बैठ के नहीं गाएगा, खड़े हो वो. जाने क्यों लगता है यूं कोई है मेरे रूप पर मैं देखूं जहां नजर न आए तू है कहां कोई मुझे ये बताए कैसा दिल पे वार किया है जीना मुझसे मुरा किया है जीते जीते मारे मेरी वारी आनी समझे सब मेरी वारी आनी समझे. थैंक यू. वाह भाई और हम जरा ब्रेक के बाद आपको मिलेंगे और उस वक्त तक हम बहुत सारी गॉसिप कर चुके होंगे और स्टे विद अस आफ्टर दिस ब्रेक.
एंड वेलकम बैक टू स्टारी नाइट्स. हमारे साथ दो बहुत ही खूबसूरत लोग और बहुत ही खूबसूरत इंसान एंड ऑफ कोर्स द गॉर्जियस आयशा उमर एंड उमेर जसवाल. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस. और हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों इतने खूबसूरत इतने खूबसूरत लेकिन अभी तक सिंगल क्यों है? जरूरी है यार. खूबसूरती का राज जानना. सॉरी यही है राज है ना. एक को आप अब अगर ये चाय अच्छी ना होगी ना देखें वो मैंने नहीं बनाई. मैंने अपने हाथों से नहीं बनाई ना. और मैं ये शो कर सकती हूँ या चाय बना सकती हूँ. आजकल सोच रही चाय बना लूँ. अच्छा तुम कुकिंग शुकिंग करते हो कि नहीं? हाँ, a part of the diet that I follow and my workout regime. मैं खुद ही बनाता हूँ अपना बहुत सारा खाना. यही करना पड़ता है. अम्मा को तंग नहीं करता मैं. my mom makes the best food on this planet. हर किसी की अम्मी दुनिया का सबसे अच्छा खाना बनाती हूँ उनके लिए. लेकिन sometimes I have to cook for myself and it's fun. अच्छा, I want to know what diet you follow. अच्छा प्लीज आयशा, अच्छा ये तो मुझे बता दो ना आयशा, what diet do you follow? एक पैलियो टाइप करने की कोशिश करती थी. आयशा आयशा ने तो मुझे इंस्पायर किया जी वजन कम करने में. मैं इसका आयशा उमर का तो बहुत ही बड़ा हाथ है मेरे. सना आई फ्रॉम 10 पाउंड पता नहीं कहां आयशा का ज्यादा है. आयशा को कहां इसी रहते ये लुक बड़ा से बड़ा है. एक्चुअली आई एम इन डिप्रेशन. आई फ्रॉम 10 पाउंड. अच्छा और क्या है आयशा तुम्हारे प्लान्स क्या हैं? फैमिली लाइफ के बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ. मतलब ये हम देखते रहते हैं एक लड़की है इसमें इतनी एनर्जी है या अल्लाह. लेकिन वो पता है थोड़ी सी कम हो गई है सना. कितना काम किया. मतलब मैं आयशा को फोन करूँ ना, अब आयशा ये कर रही है, अब आयशा कहीं बैंकॉक में शूट कर रही है, अब आयशा वापस आई है लेकिन आयशा को कहीं कुछ और करना है. अच्छा अब आयशा आज ये कर रही है. रमजान में मैंने कुछ ज्यादा काम किया. नहीं आयशा प्लान बहुत अरसे से मैं नहीं करूंगी. बट माशाल्लाह माशाल्लाह टच वुड आई होप कि तुम बहुत काम करो. लेकिन सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करती हो आयशा? बिकॉज मॉडलिंग भी है कमर्शियल. मुझे दिखाओ ना जरा सुना यार. अभी मत कहना. अच्छा ठीक है यार. ये अच्छा है यार. अभी मत फ्लू बिकॉज मैंने इतना काम किया रमजान और बिल्कुल रेस्ट नहीं किया. और मुझे मैं बहुत बीमार पड़ गई बाय द एंड ऑफ रमजान. लाइक रियली सिक. ओके आई वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बिकॉज आई गॉट लाइक अ स्टमक इन्फेक्शन एंड फिर फ्लू भी हो गया. तो बस वो था ना कि बस इम्यून सिस्टम डाउन हो गया. अच्छा मुझे पता चलता तो मैं फूल लेके आती. लेकिन आज तो बहुत सारे फूल आए होंगे. बहुत सारे फूल आ गए. तुम तो चुप ही रहो. तुम्हारी तो जितनी लड़कियां तुम पे यूं 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 झपट्टे मारी होती है कॉन्सर्ट में क्या होता है? नहीं यार देखें यहाँ पे असल में लोग थोड़े एक्साइटेड ज्यादा हो जाते हैं. थोड़ा सा रॉक म्यूजिक का किस्म. नहीं उमेर तुम्हें एक्साइटेड हो जाते हैं. ये क्या तरीका है? इट्स अबाउट द म्यूजिक. इट्स नॉट मी, इट्स द म्यूजिक. आई पंप देम अप लाइक सो मच बाय द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट कि वो गेट क्रैशिंग. इसने डिनाई नहीं किया. हां इसने डिनाई नहीं किया कि नहीं कन्वीनिएंटली कहा. Everybody, but I like loving people. तुम्हें कोई मिला प्यार करने वाला जिस तरह तुम चाहती? हाँ हाँ अच्छा चलो आगे. जिस तरह का मैं चाहती हूँ. हाँ बहुत है. चलो यहाँ एक भी मिलता. यहाँ एक भी मिलता लेकिन मुझे नहीं पसंद आते यार. और इसे पसंद नहीं आते. अच्छा तो क्या पसंद आता है अब मुझे बताओ. अब तुमने कहा तुम्हें सिंगिंग पसंद है लेकिन तुमने फिल्में की. अब मुझे ये बताओ कि अब ये जो एक ट्रेंड चल निकला है ना कि अच्छा वो इंडिया जाके करेंगे फिल्म. तो अभी ये शुरुआत. नॉट अ पार्ट ऑफ दैट ट्रेंड एट ऑल. यू डोंट थिंक के मतलब पर हमारी इंडस्ट्री जाहिर है इतनी फिल्में नहीं बनाती जितनी वहां बनती हैं सैडली. और हम भी एक फिल्म. आई फील व्हेन आई हैव नोटिस द ट्रेंड के व्हेन पीपल गो टू इंडिया देन दे जस्ट वांट टू बी देयर. मतलब वो अपने मुल्क को थोड़ा सा इग्नोर करना भी. आई डोंट ब्लेम सम पीपल बिकॉज आपको एकदम से ज्यादा इज्जत मिलनी शुरू हो जाती है. ऑफ कोर्स यू आर टेकन मोर सीरियसली. इट्स ट्रू. कौन सी मूवी एंजॉय की लेटेस्ट तुम्हारी अपनी? नहीं पाकिस्तानी या इंडियन? पाकिस्तानी. पाकिस्तानी यार आई लव्ड. कहां से शुरू करूं? अभी रीसेंट व्हाट कितनी फिल्में मैंने वाज ग्रेट. जवानी पे नहीं. जवानी पे नहीं यानी वाज ग्रेट. मैंने हो मनजहां देखी. दैट वाज रियली नाइस आल्सो. अ डिफरेंट फ्लेवर. रीसेंटली क्या देखा है? कुछ आया ही नहीं. हु डू यू कंसीडर कंपटीशन आयशा? आयशा उमर को अगर कोई लड़की उसके साथ कंपटीशन कर सके? आई डोंट थिंक. आई डोंट बिलीव इन कंपटीशन. Who am I inspired by? I'll tell you. Okay. Saba Qamar, fantastic. Oh, actress. Definitely. I think she's the best actress that we have in Pakistan. I agree. And when sequel ke liye, because mera jo character hai Karachi se Lahore mein, ab uski story khatam hui hai, to ab dusre character
कि पार्ट थ्री में आएंगे. तो व्हेन सबा वाज टेकन फॉर दैट आई वाज लाइक वाओ, यू नो, बिकॉज आई थिंक शी इज द बेस्ट. देन आई थिंक सनम सईद इज वेरी गुड. आई थिंक माहिरा हैज हर ओन ऑरा अराउंड हर एंड, बट वो सनम का वो नहीं है ऑरा जो माहिरा का होगा. सबा में टैलेंट बहुत है, माहिरा में चार्म बहुत है. सनम और तुम में क्या वेरी बेसिक, और तुम में क्या बहुत, आई हैव टू मच एनर्जी. एक तो इतने मॉडर्न लोग आ जाते हैं मेरे शो पे, एनर्जी. बट या नो, माय एनर्जी इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी सबड्यूड. आयशा, बट ये जो टू टी फ्रूटी नहीं, बट ये इतना मजेदार गाया. और थैंक यू, ये मुझे नहीं जाता. और आइटम नंबर टाइप, ये क्रेडिट जो है ये शराज ओपल को जाता है. बिल्कुल, कंपोज किया और अली नूर और शराज ओपल ने मुझसे गवाया, क्योंकि मैं बिल्कुल ये इस तरह नहीं गा सकती थी. आयशा, हमने कितना सुना ये फिल्म रिलीज होने से पहले. ये गाना मुझे याद है कि मैंने आपके एक दोस्त ने मुझे सुनाया, इरम, आवर कॉमन फ्रेंड. तो मुझे याद है शी हैड इट ऑन हर फोन और हमने सुना और हम इतना एंजॉय करते रहे. और नो, इट वाज वेरी, इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट. बट आयशा, आइटम नंबर करने के बाद कोई इमेज बदलती है? इट वाजंट एन आइटम नंबर. मतलब तुम्हें लगता है कि नहीं, बिकॉज़ लोग कंसीडर करते हैं, अच्छा यार अगर ये लोग कहते हैं डांस नंबर को आइटम नंबर, आइटम नंबर को फॉर एन आइटम नंबर. आई टेल यू व्हाट एन आइटम नंबर इज, जैसे मैं विश के साथ हुआ, बिलीव मी, एन आइटम नंबर इज एक आइटम के लिए कोई एक्ट्रेस आती है मूवी में. आई वाज द लीड एक्ट्रेस ऑफ द फिल्म, सो हाउ कैन आई डू एन आइटम नंबर? इट्स अ डांस सॉन्ग. अच्छा, तो बिली आइटम नंबर, बिल्ली आइटम नंबर है लेकिन टूटी फ्रूटी नहीं. नहीं, आइटम नंबर वो क्योंकि लग रहा है कि जी ओ शी इज सेड्यूसिंग द ऑडियंस आइटम नंबर, बट आई एम नॉट. इट्स अ फनी सिचुएशन. इफ नहीं बिल्ली क्या था, तो बिल्ली को क्या कहोगे भाई? Billy was an item song. Billy was an item for that one song. Yeah, okay. And no, she had two, three scenes also. Achha. She was a guest. She was doing a cameo. She was. नहीं कहो अच्छा. Very good. अच्छा. हाँ. अच्छा, मैं तुम्हें अगर कोई आइटम नंबर के लिए बुला रहा हूँ. यार, why not? आयशा, ये कहाँ से आया? आप असल में रोई, हमने कोई ग्लिसरीन आपको आंखों में नहीं डाली, हमने ऐसी कोई चीज नहीं कही. मतलब वही ना, हम सब रोए थे उस सीन. मैंने कहा ना कि दिल टूटते हैं वो टाइम याद करें. अच्छा, दिल टूटे या दिल तोड़े हो उनके टाइम याद करें, या किसी से प्यार हो उससे बिछड़ने का सोचें. ये चीजें जरूरी होती हैं. अच्छा, दिल टूटने की बात हो रही है तो हमें अपनी ऑडियंस का दिल तोड़ना है, बिकॉज कमर्शियल भी तो चलाने हैं. एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद दिल टूटने से जुड़ने तक. देखते रहिए स्टारी नाइट्स. And welcome back to Starry Nights. And what a starry night there this is with Umair and Aisha. Ye bataiye, Umair, next project. Can't name the project yet. Waiting for the director to actually announce it officially. Okay, director kaun hai? Na, director bhi nahi bata sakta. Yaar, ye to ajeeb si baat hai. Ab aap kuch sort hi khelein. Acha, kya wo young hai? Haan, wo young hai. Kya wo ek film kar chuke hai? Bilkul. Kya wo khabron mein rehte hai? Kya unke film mein? Isse zyada main kuch nahi keh sakta. Acha. जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, जब लोग पूछते हैं कि आप गा क्यों नहीं ज्यादा रहे, गा क्यों नहीं रहे, आई एम लाइक आप कैसे दो चीजें कर सकते हैं? एक तो टाइम नहीं मिलता, दूसरा व्हेन यू आर एक्टिंग it requires so much energy, you're so drained all the time that you can't sing, you know, aapka gala baitha hota hai, gala bhi baitha hota hai, that's true. And so I'm doing a couple of songs in some kuch gaane kar rahi hu, kya ho gaya tumko, kuch gaane kar rahi hu, gaan, kuch gaane kar rahi hu kuch filmon ke liye, okay, aur kuch aur playback se liye, kuch aur filmon ke liye. Oh, very good. And ek do reality shows hain. रियलिटी शोज जिनको, एक को मैंने होकर जज करना है, अभी देख रही हूँ कि कौन सा चूज़ करूँ. जो आयशा है ना, ये मल्टी डायमेंशनल, सब कुछ कर रही है. आई हैव बीन आस्क्ड टू डू इट. यार, अब अगर कोई चाह रहा है कि आई हैव बीन आस्क्ड टू डू इट, मैं नहीं कर सकती. इफ आई लाइक इट, इफ आई नो आई विल हैव फन, अगर लोग अच्छे हैं तो कर लेती हूँ. अब ऑब्वियसली कभी कभार गलतियाँ भी हो जाती हैं. मैं जसवाल के बारे में ऐसा कुछ बताऊँ जो लोग नहीं जानते?
मेरा जसवाल एक इंतहाई सेंसिटिव इंसान है. नहीं, ये तो अभी बता दिया थोड़ी देर पहले कि मैं बहुत सारी चीजें आई अब्सॉर्ब अ लॉट. हंसता क्या मतलब, हसास का मतलब क्या होता है? रो देते हो मतलब, फील करते हो, नाराज हो जाते हो जल्दी, हर चीज को ज्यादा फील करते हो, क्या होता है? I mean, वो तो एक आर्टिस्ट का ट्रेट ही है ना, मतलब के ओवर सेंसिटिव होते हैं. सेंस अच्छा, हमें नेगेटिव कनोटेशन है ना वर्ड सेंसिटिव. ओ यू आर टू सेंसिटिव. आई एम लाइक थैंक गॉड आई एम सेंसिटिव. इफ आई वाजंट सेंसिटिव आई वुड नॉट बी एबल. अच्छा, तो मैं जरा सेंसिटिव पे रुक गया. मुझे तो ओवर सेंसिटिव. ओके, यू आर सो ओवर सेंसिटिव. देयर इज नो सच थिंग एज ओवर सेंसिटिव. ओके गाइस, ईदर सेंसिटिव और यू आर नॉट, या फिर आप एक बर्फ की सिल हैं. हां, या पत्थर के आदमी हैं, या आप फिर एक इंसान. क्या है? इंसान है बस. हाँ अच्छा, चलें अब ये आयशा आप बताएं. हाँ. एक तो प्यार की जगह कहाँ है लाइफ में, वो हमने बात की शादी की, अब प्यार की बताओ. बड़ी मुश्किल. प्यार की जगह मजाक. प्यार की अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो स्लॉट कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं ना जिंदगी के, ये टाइम प्यार का, ये काम का, मैं ऐसा नहीं कर सकती, कोई ना कोई चीज इम्बेलेंस हो रही होती है. सो आई थिंक सबसे ज्यादा प्यार वो लेता है क्या, क्या अहमियत अहमियत लेता है, प्रायोरिटी है उसकी. अगर अगर हुआ हुआ हो, या अगर हो में, अगर जिंदगी में हो, अगर मगर किसी टाइम पे, अगर किसी टाइम पे किसी, आई फील कि ये होगा. एंड बट यू नो वर्क इज आल्सो इम्पोर्टेंट. आई मीन वही. अच्छा, बट यू आर वेरी क्लोज टू योर मदर. आई एम. एंड योर ब्रदर. आई एम रिसेंटली लाइक आई डोंट रियली, मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाती जितना चाहूँगी काम की वजह से. बट हाँ, हर चीज़ डिस्कस हो रही होती है और वो है अभी. अच्छा, बहुत कमाल बात है, क्योंकि मैं बहुत कम लोगों को जानती हूँ जो इतने, मतलब हर कोई उनके बारे में अच्छी चीज़ें कह रहे हैं. मतलब होता है ना कि मतलब नो. एंड आप हर किसी की दोस्त हैं, आप हर किसी को जानती हैं. मतलब आई मीन आई नो दिस साइड ऑफ आयशा, दिस ऑल राउंडर गुड पर्सन. कैसे होता है? बहुत हेटर्स. नहीं, मैंने तो कम देखे. अच्छा. हाँ, मैंने नहीं देखी. मैंने ऐसे लगता है कि मैं बहुत अभी बेहतर इंसान बन सकती हूं. तो मतलब ये फेकनेस तो नहीं है? नहीं, आई जेन्युइनली अच्छी हूं. आई डोंट, मैं जेन्युइनली अच्छी हूं. आई डोंट डिसलाइक पीपल टू इजीली. ओके, बट एंड दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ रॉन्ग. या आई डोंट, मुझे लोग इतनी आसानी से इरिटेट जरूर करेंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो इतने डिसलाइकिंग समवन, वो मैं आसानी से नहीं, मैं डिसलाइक करती लोगों को. अच्छा, कुछ लोगों को भी कर देती हूँ. कुछ लोगों को लगता है अच्छा ये जरा थोड़ी सी यू नो घमंडी है, लगे नॉक्चुअरी सी है. नहीं, यू कांट प्लीज एवरीवन. यू कांट प्लीज. अच्छा, और रेप्यूटेशन कितनी जल्दी लोग आपसे ले लेते हैं. मतलब आपकी रेप्यूटेशन के साथ खेला जा सकता है, लड़कों के साथ ये नहीं होता. इफ यू लाफ टू मच विद समवन, तो उमेर तुम किसी इंडस्ट्री में किसी लड़की से शादी करोगे अगर वो इंडस्ट्री को बिलोंग करती है? Why not? तो मैं से जज नहीं करोगे कि अच्छा नहीं ये. मैं भी तो ये सब कुछ करता ही हूं. Why would I have this double standard about this? अच्छा, लेकिन तुमसे भी कोई पूछता ना, तुमने गाना गाना शुरू किया और तो तुमने मुझे जिस तरह बताया कि मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, मैंने ये किया, मैंने वो किया. मतलब बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो समझते हैं, लोग पूछते थे ना कि आप करते क्या हैं, तो मैंने कहा था मैं म्यूजिशियन हूं. कहते नहीं बेटा, तो आप करते क्या? वो तो ठीक है, वो तो आपकी हॉबी है, लेकिन ये मेरा करियर है. किसी को नहीं बताता. मैं अपने पेरेंट्स के सामने जब मुझसे कोई बात कर रहा था तो पूछता है बेटा आप क्या करते हो? मैं कहता हूं आई एम म्यूजिशियन एंड एन एक्टर. तो कहते नहीं, ये जियोफिजिसिस्ट भी है, जियो साइंटिस्ट भी है. तो छोड़े, क्या जरूरत है बताने? मतलब ये पहचान काफी नहीं है. हाँ. तो ये कैसे, क्या तब्दील होगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कि ये हमारी पहचान बने कि हाँ मैं एंकर हूँ, हाँ मैं एक्टर हूँ, हाँ मैं गाने गाने गाता हूं? एक थोड़ी सी आई मीन कॉन्ट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता, लेकिन नहीं करें. हम सब लोग जो हैं डांस देखते हैं खवातीन का बड़ी स्क्रीन पे, लेकिन अगर हमारी अपनी बेटी डांस करना चाहती है तो फिर बहुत बुरा हो जाता है. हमारी अपनी बेटी गाना चाहती है तो वो बहुत बुरा हो जाता है. हमारे औरों के बच्चे कुछ भी करें तो ठीक है, आप उनको देख के इंटरटेन भी हो रहे हैं, हंस भी रहे हैं, लेकिन अगर आपका अपना बच्चा कहता है कि मैंने क्रिकेटर बनना है, या मैंने आर्टिस्ट बनना है, डांसर बनना है, यू नो सिंगर बनना है, तो बहुत कम है. बहुत कम पेरेंट्स हैं जो कि एक्चुअली, आई वाज फॉर्चुनेट, मेरे माँ बाप ने मुझे कहा बेटा पढ़ते रहो, साथ जो मर्जी करना करो. एंड टू अ पॉइंट माय डैड वाज लाइक, इफ यू आर सेल्फ सफिशिएंट, इफ यू वांट टू टेक दिस एज अ करियर, बिल्कुल करो. तुम्हें अगर लगता है कि तुम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से ज़्यादा अपने आप को इसमें खुश रख सकते हो तो बिल्कुल करो. मैंने कहा अबू टाइम्स विल बी टफ बट आई विल बी मोर हैप्पियर. एंड ही सपोर्टेड मी एंड माई मदर इज़ वेल.
मतलब अपने पेरेंट्स को या दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए या अपने दिल की सुननी चाहिए? पता नहीं, मुझे तो आई कैन नेवर रियली यू नो चूज वन थिंग, आई डोंट नो व्हाट इट्स लाइक फॉर एवरीवन। नहीं, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हें आके कहे आयशा मैं तुम्हारे करियर में आना चाहती हूँ या तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ, तुम उसको क्या एडवाइस करोगी? Well, देखो तुम्हें पता है इसकी मुश्किलात थिक स्किन होना होता है बहुत, बिकॉज हम छोटी छोटी बातों पे अपसेट भी हो जाते हैं, उसने ये सोच लिया, उसने ये कह दिया, उसने कह दिया, बट यू रियली हैव टू सक इट अप एंड लाइक गो आउट देयर, द शो मस्ट गो ऑन, राइट? चाहे कुछ भी हो रहा हो आपके साथ, द शो हैज टू गो ऑन। आई शैल हैड पीपल बीन अनकाइंड, ऑफ कोर्स दे बीन अनकाइंड, दे वेरी पीपल आर इनसेंसिटिव अराउंड यू, actors are sensitive but the people who are working behind or with those actors are insensitive. nahi tumhe criticism aata hai hame jahan mein main batati hu hame judgmentalism ha ha aur criticism and judgmentalism bahut bahut fark hai bahut zyada it's lovely ha mere is effort ko sirahe zara beautiful mere paas maza aaya tumne bola shabash bahut bade arse mein itna acha set I think it's the first time ke ha main koi entertainment show kar rahi hu ha ha aur mujhe log kehte hain na acha aap entertainment industry mein aa gaye acha yaar yun karke dekhte hain na haaye kya hua dimag nahi aap to itni intelligent thi ha ye kya jaise koi entertainment to koi jaise matlab koi koi khali dimag idiots aake karte hain na bilkul bhi nahi okay hum entertainment industry ko support karte hain aur entertainment nahi hogi to aap entertain kaise honge exactly aur jate jate aapka थोड़ा सा अगर कोई गाना हो जाए मुझे जो एक गाना आता था वो मैंने सुना एक ही गाना आता था बेस्ट एक गाना आता था अच्छा चलो अगर गाना नहीं सुना सकते तो सेल्फी तो ले लो बिल्कुल लेट्स टेक अ सेल्फी ठीक है जी